आंध्र प्रदेश से मेवात में गांजा सप्लाई करने वाले दो ड्राइवरों को तावड़ू सीआईए पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 212 किलो 800 ग्राम गांजे से भरे 5 बोरे भी बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों की पहचान आजम पुत्र हारून व मोहिन पुत्र हारून निवासी भाजलाका के रूप में हुई है। दोनों आरोपी आपस में सगे भाई बताए जा रहे हैं, जो अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में आंध्र प्रदेश से मेवात में गांजा सप्लाई करने का कारोबार करते हैं। पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से गांजा बरामद कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के साथ इस कारोबार में कई अन्य लोग भी शामिल हैं। डीएसपी सुधीर तनेजा ने जानकारी देते हुए बताया कि तावड़ू सीआईए टीम ने चीला गांव के पास नाका लगाए हुआ था, तभी गुप्त सूचना मिली कि उक्त आरोपी ट्रक में गांजा भरकर भाजलाका गांव की ओर जाने वाले हैं। पुलिस ने ट्रक को रुकवाया और चेक किया तो आरोपियों ने गांजा पत्ती को ट्रक में भरी काली मिट्टी के नीचे दबा रखा था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर गांजा पत्ती को भी बरामद कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। पुलिस कप्तान श्री मनु सिंगला ने अभियान चलाया हुआ है कि एनडीपीएस को जड़ से खत्म करना है। इस संबंध में सीआईए तावड़ू की टीम भजनलाल सब इंस्पेक्टर ने नाकाबंदी लगाई हुई थी तावड़ू के एरिया में, और उसको गुप्त सूचना मिली थी कि आंध्र प्रदेश से कोई ट्रक के अंदर गांजा पत्ती भर के लाई जा रही है। जिस संबंध में भजनलाल सब इंस्पेक्टर ने नाकाबंदी लगाई हुई थी, उस नाकाबंदी के दौरान उनको सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति, एक आजम खान और दूसरा हारून, भाजलाका गांव के रहने वाले हैं, जो कि गांजा पत्ती काली मिट्टी के नीचे दबा के लेके आए आ रहे हैं। तो जब वो गाड़ी आई तो उनको उन्होंने रोका और काबू किया, जिसमें दो लड़के मिले उनको और उनको काबू किया। उनके नाम पता पूछे गए तो नाम पता में वही आजम और हारून नाम ही मिले। और इसी संबंध में जब उन्होंने उस गाड़ी की चेकिंग की, जो ट्रक था 12 टायरी, तो काली मिट्टी के नीचे उनको 12 कट्टे मिले, जिनके अंदर गांजा पत्ती थी भारी मात्रा में, जो उनका वजन करने पर 212 किलो 800 ग्राम गांजा पत्ती बरामद हुई, जो कि लाखों रुपए की है। जो इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके अलावा हमारी सीआईए की टीम पता कर रही है कि ये कहां से माल ले आए थे और आगे कहां लेके जाना था, और इसमें आगे जो भी दोषी होंगे या पीछे जो दोषी होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा।